श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमः, श्री लक्ष्मी नारायण चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आध्यात्मिक कैलरी आपके लिए कुछ न कुछ अवश्य होगा। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः, नमो श्री नारायणाय नमः, लक्ष्मी नारायण नमः, सरस्वती भ्यो नमः, ते भ्यो नमः। श्री लक्ष्मी कृपा चैनल देखते रहिए, आध्यात्मिक दिव्य चैनल है, इसमें आपके लिए कुछ ज्ञान होगा, अवश्य सुनिएगा। आज हम बात करेंगे ज्ञानी हो गया कुछ शब्दों की जो हमें जीवन में कभी भी काम में आएंगे। और सबसे पहले एकाक्षरी मंत्र जो है वो है ओम। तारक मंत्र है रा रामाय नमः, इसको तारक मंत्र कहते हैं। तो पंचाक्षर मंत्र में क्या किया था? पंचाक्षर मंत्र में ओम नमः शिवाय, ओम श्री हरे नमः और जय श्री कृष्ण। अष्टाक्षर मंत्र में श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो नारायणाय नमः। द्वादशाक्षर मंत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षोलाक्षर मंत्र में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। ज्ञान के प्रकार कितने हैं? परोक्ष और अपरोक्ष। परोक्ष ज्ञान जो हमें सामने से मिलता है और हमें पता होता है कुछ, और अपरोक्ष जो हमें पता नहीं होता है। और रूण देह क्या है? स्थूल सूक्ष्म और कारण। और देहनास्थ वात पित्त कफ, देह का उपस्य आहार निंद्रा और ब्रह्मचर्य। अवस्था जागृत स्वप्न और सुषुप्त, इसमें सोचने वाली बात है। जागृत अवस्था है जो हम रहते हैं, काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। निंद्रा वह है स्वप्न सुस्ता, निंद्रा अवस्था में जो स्वप्न आता है उसको स्वप्न सुनते हैं। सुषुप्त तो सोए हुए रहते, कुछ भी हमें पता नहीं होता है। जो अंदर से हमारे कार्य चल रहे होते हैं वो भी हमें पता नहीं होता है। और वो जो हम सोचते हैं दिन भर वो सुषुप्त में है, प्रकट्य होता है। ताप आदिदैविक आदिभौविक और आध्यात्मिक। मुख्य नाड़ी इंडला पिंगला सुषुमणा। गुण सत्व रज और तम। ताप आदि व्याधि रूपादि। दोष मढ़ विक्षेप और आवरण। साधन नान कर्म और उपासना। इष्णा लोकेषणा प्रशेषणा और उतेषणा। नान का साधन क्या है? श्रवण मनद निर्ध्यासन। देह का अभिमानी क्या है? विश्व तेजस और प्राग्न। लोक कितने हैं? स्वर्गलोक मृत्युलोक और पाताल लोक। पुरी कैलाशपुरी वैकुंठपुरी और ब्रह्मपुरी। देव ब्रह्मा विष्णु महेश। अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार। भक्त आतर जिज्ञासु मुमुक्षु और ज्ञानी। भगवान ने कहा है नानी सबसे मुझे प्रिय है। मनुष्य पामर विषयी मुमुक्षी और ज्ञानी। पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष। वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास्त्र। योनि उद्भिज स्वेदज अंडज और जरायुज। मोक्षना द्वारपाल मोक्ष द्वारपाल कौन है? सम संतोष विवेक और सत्संग। वेद कौन से? ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अर्थवेद। उपरुवेद कौन से हैं? आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्ववेद और स्थापत्यवेद। महावाक्य क्या क्या है? अहम ब्रह्मासिम प्रज्ञानम ब्रह्मम अध्यात्मम ब्रह्मम तत्वमसि। वाणी क्या है? वैखरी मध्यमा पश्यंती और परा। योग क्या है? हठ योग राजयोग मंत्र योग और लय योग। साधन क्या है? विवेक वैराग्य संपत्ति मुमुक्षुता। संन्यास में क्या है? कुटिचक्र बुद्धक हंस और परामर्श। मुक्ति क्या है? सामीप्य सायुज्य सुराप्य और शास्त्री। भावना क्या है? मैत्री करुणा मुदिता अपेक्षा। और धाम क्या है? बद्री नारायण धाम जगन्नाथ धाम रामेश्वर धाम और द्वारिका धाम। इस तरह से आगे से हम उसको आपको बताएंगे
कि और भी क्या क्या है उसके बाद के वीडियो में देखिएगा। और ये बहुत ही याद रखने वाला वाक्य हुआ है और बहुत शुभ वाक्य है, हमें इसमें पता चलता है किससे क्या होता है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी भावना के साथ श्री लक्ष्मीनारायण कृपा देखते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।